आप जाती कर रहे हैं सुनील कुमार के साथ कि उसको बाहर बैठा है, बिकॉज वो प्राइम फॉर्म में चल रहा लड़का, उसको खिलाना चाहिए। हालांकि पिछले छह महीने से ये दिख रहा है कि जब इंडिया हारता है तो ये कमबैक हार्ड करता है। हार्दिक पांड्या को तेज बॉलिंग थोड़ा सा 19-20 कर सकती है, मीडियम पेस शॉर्ट बॉलिंग को तो वो खा जाता है। जो इंडिया की बॉलिंग के बिग गन्स हैं फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैच नहीं खेल रहे। ठीक है, बुमराह एंड शमी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। इसकी हो गई विराट कोहली की कि वो अपने 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ये एक इनका एक पैच है, बैट पैच है। आज भी जो है 40 के ऊपर उनका कैच छूट गया था जॉर्ज पटेल ने आदिल रशीद की बॉल पे, लेकिन फिर बाद में आदिल रशीद ने इनको आउट किया कॉट बाय जॉस बटलर। लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, अपने 50 को 100 में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। यहाँ पर इंडिया जो है रन की जो गति है 350 के ऊपर की वो नहीं क्रॉस कर। राहुल का जो शतक था 2020 में इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बनाया था और आज इन्होंने फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाया अपना शतक। एक गैप था, बड़े गैप के बाद रन स्कोर हुए और इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने अपनी वन डाउन पोजीशन में बैटिंग करते हुए अपने 10,000 ओडीआई रन कंप्लीट किए। दैट्स एन बिग अचीवमेंट। इन्होंने कंसिस्टेंटली वन डाउन पोजीशन रखी और वो उस पोजीशन में जाके 10,000 रन कंप्लीट किए ओडीआई के अंदर वन डाउन पोजीशन में रहते हुए। होगी 11 संडे को होगा बड़ा धमाकेदार मैच दोनों तरफ से, लेकिन इंडिया को अगर सीरीज जीतनी है सूर्य कुमार यादव को लाना पड़ेगा, चहल को लाना पड़ेगा, ये दो प्लेयर्स को आना बहुत जरूरी है और बॉलिंग डिपार्टमेंट को और ज्यादा टाइट। विराट ने भी और खासतौर पे केएल राहुल ने भी, उन पे प्रेशर था, रन्स नहीं किए हुए थे और जब उन्होंने 100 किया उनके जेस्टर से पता चलता था जैसे उन्होंने दोनों कानों में उंगलियां ली के शोर ये बंद करो मेरे पास क्लास है मैं स्कोर किया है मैंने आपका। मगर ये जो स्टेडी पार्टनरशिप थी इसका फायदा ये हुआ कि बाद में आके ऋषभ पंत ने एक लाजवाब इनिंग्स खेली और अपने टैलेंट को फिर से सबके सामने सजाया, दिखाया और इम्प्रेस किया। और फिर हार्दिक पांड्या को तेज बॉलिंग थोड़ा सा 19-20 कर सकती है, मीडियम पेस शॉर्ट बॉलिंग को तो वो खा जाता। मुझे दो विकेट कीपर लगे हैं, एक गिलक्रिस्ट और एक धोनी। ये दो विकेट कीपर ऐसे थे जो मैच को चेंज करते थे। जो परफॉर्मेंस इसकी है ऋषभ पंत की जिसने इसने आते हुए दी है, अगर ये इस तरह ही क्रिकेट खेलता रहा तो मेरे ख्याल में ये इन दोनों को पीछे छोड़ देगा और काफी पीछे छोड़ देगा। जिस तरह का अगर जितनी भी विक्ट्रीज अगर आप देखें इंडिया जो कर रहा है तो पुराने लड़कों का जो परफॉर्मेंस वो उस लेवल पे नहीं आ रही जितनी नए लड़कों की परफॉर्मेंस आ रही है। के राहुल जैसे उसने बैटिंग की है जबरदस्त, उसने फॉर्म दिखाई है, अपनी क्लास दिखाई है कि जो क्लास होती है वो परमानेंट होती है, वो चीज के राहुल ने दिखाई है। साथ विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप लगी जिसकी वजह से 336 रन बनाए कि जैसे हार्दिक पांड्या ने 35 रन बनाए हैं, फिर उसके बाद ऋषभ पंत ने जैसे कमबैक किया जो फॉर्म दिखाई है ऑस्ट्रेलिया टूर से शुरू हुआ था वही उसने बैटिंग दिखाई है फॉर्म दिखाई 77 रन बनाए हैं, जबरदस्त बैटिंग की है और एक अच्छा टोटल करके। जो इंडिया की बॉलिंग के बिग गन्स हैं फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैच नहीं खेल रहे। ठीक है, बुमराह एंड शमी। तो जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लैक कर रही है उनका जो यंग बॉलिंग अटैक है और उसके वजह से भी फर्क, क्वालिटी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना यहाँ पर। अगर आप यंगस्टर्स की जितनी तारीफ करें कम है। मतलब ऋषभ पंत अभी कितने इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत ज्यादा तो नहीं खेले लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने रोल में अपना ब्लेंड किया अपने आप को, रन का, विकेट कीपिंग का, टेस्ट मैच हो, T20 हो, वनडे हो, मैच विनिंग इनिंग्स खेली है तो उसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह जब पांडे की तो उसने भी 50 किए थे पिछले मैच में, आज उसके भाई ने 30 समथिंग रन किए हैं। बड़ा क्विक फायर किया उसने, वो 200 के स्ट्राइक रेट से उसने किया है, 190 का स्ट्राइक रेट था इसका ऋषभ पंत का। केएल राहुल ने एक मैच्योर इनिंग्स खेली क्योंकि एक साइड से उन्हें चाहिए था कि विकेट पे स्टे भी हो, आपको जो है विकेट आपकी इंटैक्ट रहे क्योंकि कोहली आउट हो चुके थे, उनके एक्सपीरियंस प्लेयर्स आउट हो चुके थे। तो वो सारी जो बैटिंग की अगर आप बात करें तो वो आप तारीफ ही कर सकते हैं, जितनी अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है डिस्पाइट लूजिंग विकेट्स एट पार्टनरशिप लगी विकेट गिर गई, फिर पार्टनरशिप लगी विकेट गिर गई, उसके बावजूद 336 बहुत अच्छा टोटल है।